बिहार विधानसभा चुनाव परिणाम को लेकर एक तरफ जहां पूरी देश की नजरें टिकी हुई है और वही ये कहना भी मुश्किल है कि बिहार में आखिर इस बार किसकी सरकार बनेगी। वहीं अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड में दो सीटों पर हुए विधानसभा के उपचुनाव की स्थिति पूरी तरह से साफ हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा दुमका सीट छोड़े जाने के बाद और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राजेंद्र सिंह की असमय मृत्यु के बाद उनके बेटे बेरमो से चुनाव लड़ रहे थे और उन्होंने वहां से चुनाव जीत लिया है। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वहां पर 78,000 कुछ वोट मिले हैं। वहीं बेरमो से जो जयमंगल कुमार है, जिन्हें लोग अनूप सिंह के नाम से भी जानते हैं, वो भारी मतों से वहाँ से विजयी हुए हैं। और ऐसा भी पहले माना गया है कि जब राजेंद्र सिंह, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है, कद्दावर नेता रहे हैं, वो भी जब वहाँ जीवित थे तो लगातार उनकी जो पैठ थी बेरमो विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिलती थी और कई बार ऐसा हुआ है कि लगातार वहाँ से वो चुनाव जीतते आए हैं। एक बार बेरमो की जनता ने फिर से महागठबंधन के प्रत्याशी अनूप सिंह पर अपना भरोसा जताया है और उन्हें भारी मतों से विजय घोषित कराया है। वहीं अगर दुमका की बात करें तो दुमका में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा सीट छोड़े जाने के बाद उनके छोटे भाई और झारखंड मुक्ति मोर्चा के सुप्रीमो शिबू सोरेन के छोटे बेटे वहां से चुनाव लड़ रहे थे और इससे पहले भी बसंत सोरेन वहां से पहली बार किस्मत आजमा रहे थे और दुमका की जनता ने उन पर भरोसा जताया है और वहां उनको विजयी बनाया है। दुमका विधानसभा सीट की अगर इतिहास की बात करें तो 2005 से लेकर अब तक जब भी चुनाव हुए हैं तो कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि कोई एक पार्टी का प्रत्याशी वहां से लगातार दूसरी बार जीत कर आया हो। लेकिन इस बार 2019 में हुए चुनाव में हेमंत सोरेन वहाँ से विजयी हुए थे और उनके सीट खाली होने के बाद उपचुनाव हुआ और एक बार फिर से इतिहास को बदलते हुए दुमका की जनता ने हेमंत सोरेन के छोटे भाई और महागठबंधन के उम्मीदवार बसंत सोरेन पर अपना भरोसा जताया है। निश्चित तौर पर चुनाव प्रचार के दौरान जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी और महागठबंधन के बीच चुनावी जंग देखने को मिल रही थी, लगातार भाजपा की तरफ से यह कयास लगाए जा रहे थे कि ये दोनों सीटें अगर महागठबंधन हार जाती है तो आने वाले 2-3 महीनों में हेमंत सरकार गिर जाएगी, जिसको लेके भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश पर 2 थानों में FIR भी दर्ज कराई गई थी। बहरहाल अब स्थिति पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है, दोनों सीटें जो है वो महागठबंधन के खाते में चली गई है। एक बार फिर से 2019 में जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने 65+ का नारा देते हुए चुनाव जीतने का वादा किया था और वो वादा कहीं ना कहीं उनका जो दावा था वो दावा ही रह गया और इस बार 2 सीटों पे झारखंड में हुए उपचुनाव में भी भारतीय जनता पार्टी को झारखंड की जनता ने नकार दिया है। निश्चित तौर पर इस हार के बाद भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय टीम, प्रदेश कार्य समिति की जो टीम है, उनके जो तमाम बड़े कद्दावर नेता है, वो जरूर बैठक करेंगे, मंथन करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह रही कि इस बार जनता उन्हें ना तो 2019 में भारतीय जनता पार्टी पर या NDA पर भरोसा जता पाई, ना ही उपचुनाव में। निश्चित तौर पर यह भारतीय जनता पार्टी के लिए झटका है, जहां पर एक सदमे में पार्टी चली गई है, वहीं महागठबंधन के लिए ये 2 सीटें फिर से एक संजीवनी का काम कर रही है। कैमरा पर्सन जयंत के साथ सुजीत कुमार, मिरर मीडिया, रांची।